गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वी आर इन चैप्टर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स. इन अवर लास्ट सेशन वी सॉ दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स. वन इज टैप रूट, जिसमें कि एक मोटा सा मेन एक रूट रहता है और उसकी ब्रांचेस होती है. दूसरा जो है वो फाइब्रस रूट कहता है, जिसमें कोई मेन ब्रांच नहीं होता, पूरा ऐसा नेट के जैसे ज़्यादा फैला हुआ रहता है. ठीक है, अभी आपने जब उसको प्लांट को जमीन में से डिग किया, तब आपने जब उसको ऑब्जर्व किया, देन यू गेट टू नो कि कैसे इसका वेदर टैप रूट है या फाइब्रस रूट है. लेकिन अगर प्लांट को डिग आउट किए बिना प्लांट को देख के आपको बताना है कि वेदर टैप रूट है या फाइब्रस रूट का प्लांट है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा था कि जो लीफ होता है प्लांट का, उसमें वेनेशन होता है. ठीक है, इसको रेटिकुलर वेनेशन बोलते हैं. जो वेनेशन डिजाइन, मतलब जो पत्ते का जो डिजाइन है, वो वेनेशन कहते हैं उसको. और वो आपका दो टाइप का होता है, इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं. पैरेलल, तो अगर रेटिकुलर वेनेशन है तो उसका जो रूट होगा वो टैप रूट होगा. और अगर पैरेलल ऐसा डिजाइन है पत्तों में, जैसे कि जो ग्रास होता है, और तो उसमें फाइब्रस रूट होगा. ठीक है, तो ऐसे प्लांट का जो लीफ है उसका वेनेशन देख के ही आप बता सकते हैं कि ये टैप रूट प्लांट है या फाइब्रस रूट का प्लांट है. एंड वी नो कि रूट का जो फंक्शन है, रूट क्या काम करता है, तो मिनरल्स और वाटर जमीन में से प्लांट के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने का काम जो है वो रूट का है. और लीफ में क्या होता है कि लीफ में पानी और मिनरल्स रूट में से स्टेम में जाते हैं, उसमें से लीफ में जाते हैं. और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने देखा था, मतलब कि सनलाइट में जो है क्लोरोफिल से लीफ में फूड प्रिपेयर होता है. और वो जो फूड होता है वो प्रिपेयर होके स्टेम के थ्रू ट्रैवल करके वो प्लांट का जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि रूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, उसमें वो फूड स्टोर होता है. एंड वो हम कुछ कुछ जो प्लांट का रूट्स है उसको खाने में भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि कैरेट है, स्वीट पोटैटो, रेडिस, टर्निमेंट और टैपियोका, बीट रूट है, वो सब जो रूट्स हैं वो हम लोग खाने में उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो लोग वो जो है वो रूट्स हैं. सो स्टेम इज अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक. स्टेम इज अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक. कैसे? क्योंकि रूट में से पानी और मिनरल्स को डाल करता है. स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक. क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स. एंड फ्रॉम लीव्स फूड प्रिपेयर होके फूड गोज इन डिफरेंट पार्ट्स डाउन ऑल्सो भी रूट में भी जाता है. सो स्टेम इज अ टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट. नेक्स्ट टॉपिक इज 7.5 फ्लावर्स. फ्लावर में क्या होता है कि फ्लावर जो है, फ्लावर हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द प्लांट. अगर आपके पास वो गुलाब का पौधा है, तो उसमें अगर गुलाब है तो आप आसानी से दूर से उसको देख के पहचान सकते हैं कि या इट इज़ अ रोज प्लांट. लेकिन अगर गुलाब नहीं है तो पत्तों को जो डिज़ाइन है उसको देखना पड़ेगा. सो फ्लावर हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द प्लांट. ओके, लेट अस डू एन एक्टिविटी.
एक बर्ड चाहिए आपको और एक टू फ्रेश फ्लावर चाहिए। नाउ कोई भी चलेगा फ्लावर में, आपका धतूरा है, चाइना रोज, मस्टर्ड, देन ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुड मोहर, कोई भी फ्लावर होगा वो चलेगा। एक ब्लेड चाहिए और एक ग्लास स्लाइड, ग्लास सेट चाहिए, मतलब कि ग्लास का एक जो पट्टी होता है, स्लाइड होता है वो। शीट ऑफ पेपर एंड मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। नाउ ऑब्जर्विंग द फिगर, जो फ्लावर है उसका मेन जो पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ओपन फ्लावर, नॉट द बर्ड। बर्ड मीन्स जो कली होता है, ऐसे कली होता है, ओपन फ्लावर इसको ये जब खुलता है, ब्लॉसम होता है, तो पूरा फ्लावर होता है, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट, ये जो फ्लावर है ओपन फ्लावर, उसके प्रोमिनेंट पार्ट्स कौन से हैं? पेटल्स होता है, इसको पेटल्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेपल्स, सेपल्स। और डिफरेंट फ्लावर में ये जो पेटल्स है उसका कलर डिफरेंट रहता है, ओके। सो पेटल्स एंड सेपल्स। नाउ इनर पार्ट ऑफ फ्लावर, ओके, तो उसके लिए यू विल हैव टू कट इट ओपन, एंड इफ द पेटल्स आर जॉइंड एंड इफ इट इज अ बेल शेप्ड फ्लावर, देन यू हैव टू कट इट ओपन, क्योंकि हमको अंदर के पार्ट देखना है, लेंथ वाइज कट करना है, जो आपका वो जो होता है ऐसे फ्लावर होते हैं उसमें आपको उसको ऐसे लेंथ वाइज कट करना है, तो ही आपको उसका इनर पार्ट है देख पाओगे। अब इनर पार्ट में क्या क्या रहता है फ्लावर के, बाहर के बाद में देख लिया सेपल्स एंड पेटल्स। तो पहला है स्टेमन्स, स्टेमन्स उसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है क्रीम कलर का रहता है, क्रीम कलर। इसका शेप कैसा होता है? तो शेप आप देखोगे तो ऐसा होगा, इसको फिलामेंट बोलते हैं, सीमेन में इसको फिलामेंट बोलते हैं, स्टेमेन। अब ये जो है वो एंकर है, एंथोर, ये एंथोर है, उसका कलर येलो है और इसका कलर है क्रीम कलर, ओके। तो ये हो गया स्टेमन। एंड इन अ प्लांट यू विल सी देयर आर मोर देन वन स्टेमन, मोर देन वन स्टेमन। सेकंड पिस्टिल, पिस्टिल उसका कलर होता है ग्रीन कलर। ये सब क्या है? ये सब फ्लावर को जब आप कट ओपन करोगे, कट करोगे तो आपको ऐसा ऐसे दिखेगा, जो ये जो ऐसा पार्ट होगा इसको स्टेमन बोलते हैं, और ये सेकंड अभी जो मैं जो भी ड्रॉ करूंगा उसको पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। उसका शेप होता है ऐसे, इसको स्टाइल बोलते हैं। और ये जो पार्ट है जिस थोड़ा फूला हुआ है उसको ओवरीज बोलते हैं। और ये हो गया आपका पिस्टिल, ओके। नाउ लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ पिस्टिल, उसमें जो ओवरी है उसको हम लोग देखते हैं कैसा है। लोअर मोस्ट एंड स्वॉलन पार्ट ऑफ अ पिस्टिल इज ओवरी, थोड़ा सा फूला हुआ है मतलब कि स्वॉलन है। वी विल कट दिस पार्ट टू सी व्हाट इज इनसाइड, ओके। टू टाइप्स ऑफ कट, हम लोग उसको ऐसे ऊपर से भी जो उसका ऐसे लेंथ था उसका जो, तो एक कट हम लोग ऐसे लगाएंगे उसका और दूसरा हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो जब आप
लॉन्जिट्यूडनल आप लॉन्जिट्यूडनल जब लगाओगे देन यू विल सी दैट उसके अंदर ऐसा ऐसा एक आपको स्ट्रक्चर देखिए सम बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी ये बीड लाइक एक स्ट्रक्चर आपको देखेगा जब आप लॉन्जिट्यूडनल पार्ट लॉन्जिट्यूडनल पार्ट इसको लॉन्जिट्यूडनल पार्ट बोलते हैं जो आपने ऐसे काटा उसको ऊपर से जैसे हम जो गाजर है उसका जो ऊपर का जो स्किन है गाजर का उसको जब आप कट करेंगे तो ऐसा कट आपको लग रहा है और लॉन्जिट्यूडनल कट में आप लोग ऐसे काट रहे हो उसको ठीक है यहाँ से इसको काट दिए तो यहाँ पे आपको ऐसे कोई एक स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा इसको ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं ओव्यूल्स बोलते हैं ओव्यूल्स द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज सेम द नंबर ऑफ सेपल्स पेटल्स स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स मे ऑल्सो बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स आप अलग अलग प्लांट में से फ्लावर निकालोगे तो ये जो नंबर ऑफ पिस्टिल्स और नंबर ऑफ स्टेमन वो सेम नहीं होगा नंबर ऑफ पेटल्स भी आपको सेम नहीं देखने को मिलेगा और कभी कभी ये होता है कि प्लांट फ्लावर के अंदर स्टेमन्स और पिस्टिल होता ही नहीं है ठीक है तो हमने देखा कि फ्लावर का जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसमें दो पार्ट होता है पेटल्स और सेपल्स और दूसरा इनर जो पार्ट है उसका उसमें पिस्टिल और स्टेमेंस ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और फ्लावर का काम होता है कि दूर से आप उसको प्लांट को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं सो टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट दिस थैंक यू